जय जोहार, मैं कन्हई राम बंजारा आज ग्राम जजगी विकास खंड उदयपुर जिला सरगुजा में पहुँचे हूँ। और यहाँ मोर जगह पुराना किसान है, मोर संगे दादा है। और एकर जगह मैं आज खेती किसानी कर गोट बात कर हूँ और आगे जानकारी पूछूँ। सबले आगो मोर कतिले दादा ला जय जोहार। दादा आगू ये बता दे कि तोर का नाम? मोर नाम है लाल मन राम यादव। अच्छा, और ये गांव का नाम? ये जजगी। अच्छा, गांव के नाम जजगी। दादा ऐसे कहत रहे कि बड़ा सुघर खेती किसानी करा था, अभी का उम्र हो गई थे तो? मोर मैंने 70-75-80 के आसपास। अच्छा, तो खेती किसानी ला बचपन ले करता था कि बीच में सीखे? नहीं, बचपने से मैं करता था। अच्छा, तेला कोनो ला देख के सीखे रहे कि कहो ला सीखे पर गए रहे खेती करेगा? मैं का हो इस मैंने देखिए के सीखे। अच्छा, देख करके ही सीखे। अच्छा, तो 3 माह के मतलब 3 गो ऋतु में खेती होते हैं। हाँ, जैसे बरखा में, जड़हा में। हाँ, और झूर की। हाँ, तो का कर खेती करते भैया? ओला शुरू ले आखिरी तक बात। तो बरसात में तो मात्र धान। हाँ, और रहर उड़द है। हाँ, यही सब कुछ, मकई। और जड़हा में ना। हाँ, आलू बैगन भंटा टमाटर से यही कुछ, करेला। तो ये सब खेती करता? कितना भूया में खेती कर लेता, जैसे धान कर खेती कितना? अरे लगभग लगभग 5 एकड़ में तो धान। अच्छा, और वही 2-2.5 एकड़ में साग सब्जी, आलू भंटा। ठीक, तो धान कते कमाए ले सर दादा? तो लगभग लगभग 180 के आसपास क्विंटल में। क्विंटल में जामो ला बेच देता कि घरों पर राख था खाई? नहीं, बेच तो। अच्छा, अब भाई घर के लिए बचाए के और कुछ बेच तो आधा। हाँ, और जैसे ये जो टमाटर भंटा कर खेती कर था, ओला बेचे ले जाते हो बाजारे? लेच थो बाजार, मंडियो कहती ले? मंडियो लेच थो, कभी बाजारो लेच थो। हाँ, और घरों में यूज अपन के हो जाते। अच्छा, सबले जरूरी तो ये है कि अपन घरों में खाए पूर्ता हो जाए। खाए पूर्ता हो जाए और बाँचे चला बेचू बेच वो करे। ठीक ठीक। आओ, झूर दीने का खेती कर? झूर दीने अभी यही
बरबट्टी लगाए हो, भिंडी लगाए हो, कुछ गर्मी वाला मक्का है, जोंडरी भी है, और यही तो कुछ बरबट्टी लगाए ही। अच्छा, और लौकी ओकी है, डोड़का ओड़का है, यही सब कुछ घर के लिए थोड़ा बहुत। हाँ, और अधिक हो जाते तो बाजार में। अच्छा, बेच। तो इतना लंबा अनुभव खेती में है दादा, और खेती के अलावा और का ही काम बूटा करते हैं? गाय पाले हों ओकर सेवा में। अच्छा, और दो गो एक नागर बैला है और दो चार गो गाय है, उनके सेवा में रख। अच्छा, तो तीनों फसल लाते करते दादा? हाँ, तोर जग सिंचाई कर भी साधन हो ही? ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल आए वही में टेड़ाई करता हूँ गर्मी में। अच्छा, और बरसात की खेती तो पानी के ऊपर वाले भरोसा। तो कैसे लगे दादा कि पहले पुराना समय कर जो खेती रही वो घरी खेती करत रहे तो ढेरे कम हुए, थोड़े हुए। अब आज कर खेती में कितना बदलाव आई? बहुत बहुत बदलाव आई बाबू। हाँ, बहुत आई। अच्छा, तो अभी अच्छा लगे? अच्छा लगे, ज़्यादा फसल के उत्पादन हो। हाँ, बढ़िया लगे। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहत रहे दादा कि आज कल जैसे बरखा कर भी ठिकाना नहीं रहे, कब बारिश जाए, कब तूफान आ जाए। हाँ, बिल्कुल नहीं है, तो एकर कारण का है? एकर कस हुआ था, पेड़ पौधा मन भी जितना उस जमाना में रही सब काट छोड़ के खत्म कर देता है, तो ओकर बारे में क्या कहना चाहते? तू विचार कर कैसे हो रहा, काहे हो थे। पेड़ पौधा लगाना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल पेड़ पौधा, देखिए कहता है बाबू नहीं, साल माने 12 महीना के एक साल होते। हाँ, 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 तो ऐसा ऐसा लोग बाग संख्या आए हैं कि 100 पेड़ ल रोज एक ठन काटत हैं, लेकिन मने दू गो फूल के नाम में मने साल भर में नहीं लगाते हैं। हाँ, ये बड़ा दुर्भाग्य है। ये दुर्भाग्य है कि नहीं? हाँ, तो का हो ही, ये बरखा पानी तूफान की कमी नहीं हो ही तो का हो ही, बता दे ही बता। बेमौसम की बरखा हो ही और ये घाम हो ही, अति घाम है, तो एकर कस में तो आदमी ला पूरा जीव जंतु ला नुकसान है। तो यही ला समझ, 100 में सती कोट में दाता। हाँ, मने क्षति करे वाला ये सब कुछ के अधिक है। हाँ, वही तो बताए दे हैं। हाँ, दू बरसात बीत जाए लेकिन दू गो फूल के नाम में नहीं लगा और वो चमगेचम करत है। हाँ, सब तो काट के यही है, ओकर भुगतना ला सब। हाँ, भुगतना। हाँ, तो यही ला तुमन बाबू सब सुधार कर कि विकास कर कि ये ना होना चाहिए अधिक। हाँ, कुछ बचाए। हाँ, पेड़ पौधा लगाए, फलदार वृक्ष लगाए, फूल वाला लगाए, हरा भरा रहे। हाँ, बड़े बड़े उद्योग, फैक्ट्री, कारखाना खुलत जाते जेकर से पूरा वातावरण हमारे प्रदूषित हो जाए। 12 प्रकार के तरह तरह के बीमारी उत्पन्न हो होकर ले बाँचे बार। हाँ, तो हमला शुद्ध हवा चाहिए। वो हवा कहाँ ले मिली? पेड़ पौधा हरियाली रही। तो ये सब बात है भैया। और जो है ये जो पौधा मन में कीड़ा मकोड़ा लग जाते तो ओकर का उपाय कर? एक बाबू वही हमला। अच्छा, हमला लक्षित और दावा पंप में प्रेशर करके। हाँ हाँ, आजकल बिना दावा छीके ना। हाँ, कुछ चीजें हर नहीं बाजे सब में रोक। अच्छा, अभी करिए ना। हाँ, खत्म हो जाए। तो ये दावा के बारे में कौन और बताते दादा कि अपने मन है ओला विचार करके लान था दावा में का है ना? कोई कहते हैं कि वो वाला दावा लान के छीट के लिए। हाँ हाँ, ऐसे करके बताते हैं ना, चीज मन बताते हैं। अच्छा, जानकारी मोला मिल थे। तो आज कर समय में दादा पूरा तो हाइब्रिड हो गई, पूरा जमो जात के बिहन सब हाइब्रिड हाइब्रिड आते। वो पुराना बिहन मन ला कहीं ला रखे है? पुराना धान के नाम सुनाए दो, दो चार गो धान के नाम।
तो झेल कर माने सब लुप्त ये हो गई सब खत्म। हाँ का का नाव रही? अरे नाम तो झेल कर पहले वाला के नाम ना हाँ। अरे का कहे पहले जैसे जीरा फूल मन रहे जीरा फूल तुमलिया कहें हाँ। केड़ा खांधी कहें हाँ हाँ, हाँ।, हाँ। यही यही तो रही और डरबाको कहें करहनी कहें हाँ पुराना धान रहे एवं बाँची नहीं की सिरवाए खत्म कहीं कहीं अगर कोई कोई किसान रखे हों तो रखे हों नहीं तो सब सब खत्म सब खत्म। ताजे हाई पी चली सर हाँ बस सलीना हाँ तो सलीना निकाला थे हाँ ले थे तो खेती किसानी कर के द्वारा परिवार सब सुख शांति से यहाँ आहन बाबू आहन वही हो आहन सुखे शांति वो उमन ल का संदेश देना चाहिए जेमन खेती करे बर कोढ़ियात हैं उमन बर दुई सब कही दे ताकि वह मन बढ़िया सुघर तुहरे कर 65-70 की उम्र में कर का सुघर हरा भरा करे हैं तो वह मन करें कम से कम उमन ल तनिक संदेश दे दे तो का दे संदेश अब ऐसा है संदेश संदेश उमन देख के संदेश ले ले बस यही मौका है ना हाँ नकल करें नकल करें देखें देखें और करें करें खाए भेर भर तो करें खाए भर खाए भर बस बस है। आजकल देखिए कोई तो बैला निपालत है दूगो गाय निपालत है बताइए नहीं पोसत दूध खरीदता है 50-60 रुपये लीटर हाँ हाँ करेंगे तो फायदा है हाँ नहीं करी तो खरीद के खाई खरीद के खाई नहीं हाँ तो बड़ा सुघर गुड बात हुई दादा हाँ और आज है अपन खेती किसानी कर बात ला बते सुनाए बहुत अच्छा लगी हमारे साथी मन भी ये ला देखी और आप सब जन से भी मोर आग्रह और निवेदन है कि आज कर ये महंगाई कर समय ला देखते हुए हर घर के बारी में अपन खाए भेर कर साग सब्जी करना है खेती करना है ताकि खरीदना मत पड़े काबर कि आप सब जन जानत हुई है कि हर सप्ताह जो बाजारे साग सब्जी खरीदे जाता तो 200-250-300 हर थोड़ेज पड़ जाते तो ओकर से अच्छा ये है कि घरे अपन गोबर खाद जैविक खाद से अपन खेती करा और ओकर साग सब्जी कर उपयोग कर तेमे से अपन शरीर भी स्वस्थ रहे और तन मन सब स्वस्थ रहे और खर्च से भी बचत हो। तो आप सब जन से फिर से निवेदन है कि अच्छा से खेती करा खेती में उन्नति करा सरकार के कई तरह की योजना है ओकर भी लाभ उठावा और खेती में हमार देश ला आगे बढ़ाना है हमार कृषि प्रधान देश है हर व्यक्ति किसान है और खेती किसानी करके निश्चित रूप से आगे बढ़ सकते सही है। तो ये जो मोर वीडियो है इला ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिया लाइक करिया कमेंट करिया और मोर यूट्यूब चैनल ला सब्सक्राइब करना मत भूलिया जरूर सब्सक्राइब करिया। मैं भैया के साथ लेहत हूँ विदा दादा ला सबसे पहले जय जोहार धन्यवाद और आप सब जन ला भी मोर कहती ले जय जोहार धन्यवाद।